बेलन वाली बहू है पर लड़की बिल्कुल गौ है। अरे रे 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 रे, ये क्या पुरानी गाड़ी? अरे पुरानी होगी तेरे लिए, हमारे लिए ये बिल्कुल नई गाड़ी है। लो, इस पुराने सेकंड हैंड खटारे को नई गाड़ी कह रहे हैं, कंजूस। ए, चुप कर जा कटोरी आंटी, इसलिए बोल रहा था, इससे अच्छी मेरी गाड़ी है। ये कटोरी की बच्ची ज्यादा ही बोल रही है क्या? अभी एक बार इसको स्टार्ट होने दे, फिर देख कैसे चीते की तरह भागती है। चल चलो, चल चल चल। अरे भाई उठ जाओ, ए भाई हट जाओ, उठ जाओ, और नहीं इसमें। शाबाश शाबाश, वेरी नाइस वेरी नाइस। चालू नहीं हो रही। जितेंद्र नरेन, इसके पहले कि कोई देख ले धक्का मारो। चल 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 चल, छोटे लगा जान। अरे सुनो सुनो सुनो, अरे कबर वाले सुन सुनो, देख, अरे आइए आइए, देखिए देखिए, सब लोग देखिए, ये अवस्थी परिवार का चीता घायल हो गया, नई सेकंड हैंड गाड़ी खराब हो गई, देख। हे भगवान, इतना पैसा लेके अवस्थी परिवार कहाँ जाएगा? महा कंजूस परिवार है। वही तो कंजूस है कंजूस, इतने बड़े घर में रह रहे हैं, एक फैक्ट्री है, और खरीदा क्या, तो ये सेकंड हैंड खटारा। ए, कटोरी की बच्ची, चुप चुप कर। क्यों चुप करूं? मैं तो बोलूंगी खटारे को खटारा और कंजूस को कंजूस। बस बस बहुत हो गया, उतरो उतरो गाड़ी से। क्या हुआ दादाजी? राजनाथ अगरपति के मालिक को इस खटारे ने बिठाने से मना कर दिया। चुप कर कटोरी, अब दिखाऊंगा राजनाथ अवस्थी कौन है। अवस्थी परिवार में अब ऐसी गाड़ी आएगी जो तेरी सात पुश्तों ने भी नहीं देखी होगी। हाँ? अरे चलो 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 चलो, सब अपने अपने घर जाओ, चलो चलो। ए रूपा, ये कौन सी गाड़ी की धमकी देके गए हम? आपकी वाली तो अभी भी नहीं। देखो वो आ गई, वो आ गई, वो आ गई, देखो वो आ गई है। कौन आ गई चालू, कौन आ गई? रूपा भाभी कहाँ है? दादाजी कहाँ है? सब कहाँ है? वो आ गई, वो आ गई, वो आ गई। अरे रूपा मार्केट गई है, लेकिन तू क्यों चिल्ला रही है? क्योंकि वो आ गई है। कौन आ गई है? पता नहीं। आप सब खुद ही आ जाइए, उसे मिल लीजिए। आइए आइए। कोई मुसीबत तो नहीं आ गई? देखो आ गई, आ गई। वाह वाह, ये देखिए। के साथ सेल्फीज लेने से मत रोकिएगा। अरे कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं, आज तो हम सब। शालू, आप खींच शालू। क्या क्या कर रही है? सेल्फी खिंचवा रहा था। सेल्फी खिंचाना, शाहरुख खान बड़ा फिर रहा है। मैंने गाड़ी को हाथ भी नहीं लगाया और तू लेट गया उसमें। बड़ा है, मैं गाड़ी के साथ जाति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, बता रहा हूँ। व्हाट इज जाति? अरे जाति मतलब ये वो जो आप अक्सर करते हैं। क्या क्या, कौन बोला? ये बोला? तू बोला, तू बोला। मैं नहीं बोला। तो फिर कौन बोला? फिर कौन बोला? कटोरी। हाय,
अरे सिर्फ नई नहीं, सबसे महंगी, तेरी सात पुश्तों ने भी नहीं देखी होगी ऐसी गाड़ी। अरे क्या दादाजी, आप भी अभी तक उस बात को लेकर नाराज है? हाँ मैं तो मजाक कर रही थी, मजाक। चलिए छोड़ दीजिए, भूल जाइए ये सब। हाँ दादाजी, मुझे जरा गाड़ी में बिठा कर मौने का एक चक्कर लगवा दीजिए ना प्लीज। ए, दूर रहे, मैंने कहा ना दूर रहे, खबरदार गाड़ी को हाथ नहीं लगाना। हाँ कटोरी, खबरदार अगर तूने गाड़ी को छुआ तो इस मोहल्ले में दादाजी सिर्फ मुझे छूने देंगे गाड़ी, है ना दादाजी? अरे दूर रहे, 10 फुट दूर रहना गाड़ी से। ये गाड़ी मैंने मोहल्ले वालों के लिए नहीं ली है। चल छोटे, कबाड़ वाले को 10 फुट। रोशनी कहीं छिप सकती है? अरे बिल्कुल सही कहा साहब, सूरज की तरह चमकती है हमारी नई कार, है कि नहीं? सही कहा, सही कहा सर। हाँ सर, ब्रांड न्यू गाड़ी ली है सर, बहुत कमाल की है सर। मैं लेकर आता हूँ ना आज ही, चौकी लेकर आता हूँ ना। डार्क ब्लू कलर की कार है। अरे फोटोज क्या मैं सेल्फी भेजती हूँ? जी जी, अरे मेरा तो बस ऐसा ही है, चीज लो तो बस सबसे महंगी लो, वरना लो ही मत। हाँ नहीं नहीं, हट गया मैं, हट गया। अभी तो 1 घंटा नहीं हुआ गाड़ी को आए हुए, पता नहीं आगे क्या हाल होगा इनका। जी अब गाड़ी की पूजा हो गई, अब हम नई गाड़ी में घूमने जाए? नहीं रूपा बेटा, अभी नहीं, जरा गाड़ी का एक बार डेमो हो जाए फिर देखेंगे। आ, मिठाई भी डेमो के बाद बांटते हैं। नहीं मिठाई क्यों डेमो के बाद, मिठाई तो अभी खिला दो ना सबको। नरेंद्र सबको मिठाई बांट दे। हाँ हाँ। दो और दो ना मेरे छोटे बच्चों के लिए, दो और दो बड़ी गाड़ी के लिए। बस करो आंटी, और ठीक है एक दे दो बेटा। अरे जितेंद्र, वो नई गाड़ी की खुशी में खाना मंगवाया था, उसका क्या हुआ? आते होगा दादाजी, वो लो आ गया, पूरे 100 साल जिएगा खाना। ला भाई बिल यार। सर आपके खाने का बिल? बिल कितना है? 9400। 9000 का खाना? वेल दादाजी, मैंने सोचा कि हमने सबसे महंगी गाड़ी ली है तो मैंने खाना भी सबसे महंगी जगह से मंगवाया है। इधर जितेंद्र भैया, शाबाश, ये तूने बहुत अच्छा किया, ऐसी महंगी कार वाले अमीर ऐसा ही खाना खाते हैं। चलो देखा तूने, दादाजी ने मुझे शाबाशी दी। एक शाबाशी वाली सेल्फी। हाँ। रूपा बेटा ये 9000 का बिल दे दे। जी दादाजी, चलिए अंदर ले लो, अंदर चलो। दादाजी आपको मेरी कसम, मना मत करना 10 के भाव में। क्या है दादाजी? मैं इसे छूना चाहता हूँ। वो क्या है ना, छूना क्या, मैं इसे गले लगाना चाहता हूँ। तेरी औकात, सुसी को छुएगा तू? दादाजी मैं गाड़ी छूने की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, छूना है तो सुसी को छू ले, गाड़ी को नहीं छूने देंगे। क्या बोला तू? आप ही ने धोखा था, गाड़ी कोई नहीं छुएगा। देखा जानू, दादाजी ने मुझे शाबाशी दी और पापा जी को नई गाड़ी के सामने लगा दिया। बाप पे हंसता है, बाप पे हंसता है। क्या है ये सब? खबरदार आज के बाद मेरी गाड़ी के आसपास दिखना भी नहीं। हट यहां से, दूर हट। अरे भाग यहां से। दादाजी ये गाड़ी को तो मैं छूकर रहूंगा 10 के भाव में। ओ
नमस्कार जी, नमस्कार। मैं जगदीप सिंह जी, गाड़ी मैकेनिक। ओ, आपकी गाड़ी को चेक करने आया जी। चेक करने? लेकिन ये हमारा ब्रांड न्यू कार है। कभी कभी नई गाड़ी को भी चेक करना पड़ता है 10 के भाव में। राज, तुम क्या कह रहा है? तुम रोड पे कैसे सोएगा? बिल्कुल सोएगा। इतनी महंगी गाड़ी बाहर खड़ी है, मुझे अंदर नींद कैसे आएगी? हैं? नहीं नहीं, सोएगा, बाहर ही सोएगा। मेरा बिस्तर यहीं लगा देना। हाँ। राज, गाड़ी मेरी है ये। प्रेमनाथ, ये यहाँ क्या कर रहा है? प्रेमनाथ, प्रेमनाथ, उतर गई ना चढ़ी? हाँ बेटा, शुरू उतर। क्या कर रहा है यहाँ? नई गाड़ी की रखवाली। रखवाली? ऐसे लिटिल लिटिल लगा कर। सॉरी पिताजी, नई गाड़ी की खुशी में लगा ली। हाँ, आपने भी तो लगाई थी जब नया स्कूटर खरीदा था। और स्कूटर को नदी में उतार दिया था और सिर्फ आप बाहर आए थे और स्कूटर बहता बहता तैरता तैरता बॉर्डर पार कर गया था। राज, राज, तुम सच में इतना बीता था? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो मजाक कर रहे हैं। मजाक के मामले में मुझ पे क्या है? लायर। नहीं नहीं, अरे इंस्पेक्टर जी, तेंद्रा वस्ती रिपोर्टिंग दादाजी। आज मैं और छोटा भी यहीं सोएंगे और गाड़ी की रखवाली करेंगे। यस। चल छोटे, बिस्तर लगाते। हटिए हटिए। चल ठीक 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 ठीक, जितना ज्यादा रहेगा अच्छा रहेगा। अरे क्या कर रहा है? देखा दादाजी, मैंने बोला था ना, गाड़ी तो मैं छू करूंगा 10 के भाव में। छूना तो क्या, गाड़ी के साथ फोटो भी लूंगा और गांव में जाकर बोलूंगा ये मेरी गाड़ी है, 10 के भाव में है। चोर, चोर, दादाजी चोर, मेरी गाड़ी बचा ली। चोर, ये देखो चोर, तेरा दादाजी चोर। क्या है ये? अरे आपकी लकड़ी, ये का झटक झटक, क्या कहाँ गया? नहीं नहीं, अरे कहाँ गया? लगता पिघल गया वो। निकल गया हो? आदमी था क्या? आइसक्रीम? अरे चोर था। देखो, अब हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। चारों एक एक दरवाजा पकड़ के सो जाओ। चलो चलो चलो, दरवाजा। हाँ चलो, देखो की गर्मा गर्म चाय, ये लीजिए दादाजी। ये थैंक यू रूपा। दादाजी, पूरी रात बाहर सोने में बहुत परेशानी हुई होगी ना? बेटा, इसे बाहर सोना थोड़ी कहते हैं, इसे बाहर अपनी कार के साथ सोना कहते हैं। और अपनी गाड़ी के साथ सोने में कैसी परेशानी? भाभी, कल रात को मैंने एक बहुत अच्छा सपना देखा। मैंने देखा मैं अपनी गर्लफ्रेंड से जूते खा रहा हूँ। अरे भैया, पहले सुन तो लो।
मैंने देखा मैं इस गाड़ी को हवा में उड़ा रहा हूँ। बेटा इतना हवा में मत उड़, नहीं तो ठंडी लग जाएगी। जी। नमस्ते दादाजी। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। अरे विकास भैया आप? हाँ मैं गाड़ी का डेमो लेने आया हूँ। आप गाड़ी का डेमो भी देते हैं? हाँ मैंने कहा था ना विकास ऑल इन वन नाम है मेरा। हाँ। तो चलिए मैं आप सभी को गाड़ी के अच्छे अच्छे फीचर्स अभी समझा देता हूँ। दीदी गाड़ी की चाबी देंगे? दादाजी चाबी आपके पास? हाँ चाबी तो मेरे पास है। चाबी मेरे पास है। ये देखिए। यही से हो गया? बिल्कुल दादाजी, ये कार फुल्ली ऑटोमेटिक है और ये देखिए इसके विंडोज ऑटोमेटिकली अप डाउन होते हैं। अरे ज्यादा मत कर, पहले दिन ही खराब करेगा क्या? अरे 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 दादाजी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अरे कुछ नहीं होगा। देखा ना कुछ नहीं होगा, कहा ना उन्होंने, मैं तो करूंगा। अरे अच्छा एसी तो ऑन करके दिखाइए। हाँ दीदी एसी तो जरूर ऑन कर सकता हूँ, लेकिन एसी ऑन करने के लिए चारों विंडोज बंद करने होंगे। बंद कर लीजिए। क्या कर रहा है? कह नहीं रहे, कह रहे बंद करो। राज तुम ये ठीक नहीं किया, तुम लोग अंदर एसी में बैठा है और हम लोग इधर बाहर गर्मी में खड़ा है। दिस इज नॉट फेयर। कोई फायदा नहीं बोलने का। व्हाई? क्योंकि उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। पक्का? पक्का। फिर तो आज मैं अपने दिल की भड़ास निकाल ही लेता हूँ। सुजी मूव। ऐसे कोई पापा और दादा होते हैं कि बाहर बच्चे गर्मी में खड़े और ये खुद अंदर गाड़ी में एसी की हवा ले रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन्हें। शर्म शर्म शर्म। खोल दे। बंद करो, बंद करो, बंद करो। शालू तूने तो कहा था कि इन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अरे जीतू इन्हें कुछ सुनाई दे ही नहीं सकता। फिर मुझे थप्पड़ क्यों मारा? वो शायद अपना मूड फ्रेश करने के लिए मारा होगा। अच्छा अब लोग अपना मूड फ्रेश करने के लिए भी मुझे थप्पड़ाने। दादाजी हाँ, इस गाड़ी को आप नॉर्मल पानी से साफ नहीं करेंगे? नॉर्मल नहीं, हमारे यहाँ तो नॉर्मल है ही नहीं, बोरिंग का पानी है। अरे नहीं दादाजी, बोरिंग का पानी तो बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिएगा, उससे निशान पड़ जाएगा। आपको इसे रोज मिनरल वाटर से साफ करना होगा। मिनरल वाटर कितना लगेगा एक बार में? वही तकरीबन 20 लीटर। 20 लीटर मिनिमम। वैसे आप एक बात बताइए, ये गाड़ी आप किसे साफ करेंगे? कपड़े से। वो तो मैं समझ सकता हूँ, पर कौन से कपड़े से? स्पेशल कपड़े से। स्पेशल कपड़े से साफ करेंगे। नरेन बेटा जा, साफ करने वाला स्पेशल कपड़ा ले आ। जा बेटा। हाल है विकास बेटा, ये है स्पेशल कपड़े। ठीक है दिखाइए। ये क्या है अंकल जी? पिताजी के पुराने कच्चे। अरे ये नहीं चलेंगे अंकल जी। अरे चलेंगे बेटा, बहुत चलते हैं, पिताजी तो इनको 10-10 साल चलाते हैं, है कि नहीं? पर इससे गाड़ी साफ नहीं कर सकते। क्यों नहीं बेटा, बहुत मुलायम है और चलते चलते घिसते घिसते और भी मुलायम हो गए। हम तो अपने घर का सारा सामान इन्हीं कच्चों से साफ करते हैं, है कि नहीं? तू अपने गाल में लगा के देखे। अरे अरे लगवा के देखिए, अरे लगवा के देखिए, इसमें दादाजी का आशीर्वाद छुपा है। अरे 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 छोड़िए ना जितेंद्र भैया, मैं तो ये कह रहा था कि इस कच्चे से गाड़ी साफ नहीं कर सकते, इस गाड़ी को तो सिर्फ कंपनी मेड क्लॉथ से ही साफ करना पड़ेगा। अच्छा रुकिए मैं दिखाता हूँ। ये देखिए दादाजी, ये देखिए कंपनी मेड क्लॉथ। आपको इसी कपड़े से गाड़ी साफ करनी पड़ेगी, नहीं तो गाड़ी का पेंट खराब हो जाएगा। दादाजी इसका कच्चा बनवा लीजिए। कच्चा बनवा लीजिए? नहीं गाड़ी साफ करने के लिए है ये। हाँ तो एक काम कीजिए, 10-12 ऐसे दे दीजिए अपने ना, 500-1000 जो भी बनता हो दे 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 देंगे। इतने में तो एक कपड़ा भी नहीं आएगा दादाजी। इस एक कपड़े की कीमत 4,500 है। 4,500? ये गाड़ी नहीं हाथी पाल लिया तुम लोगों ने, अब खिलाओ इसको चारा जब तक घर के सारे पैसे खर्च नहीं हो जाते।
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.